लेकिन शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ज्यादा दुखद खबर से और ये चौंकाने वाली है क्योंकि बार बार वही हो रहा है। व्हाट्सएप पर रूमर्स फैल रही हैं, लोग इन अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं कि बच्चा चोरी का गैंग है और उसकी वजह से लोगों को मारे हैं और इस बार हुआ है त्रिपुरा में। That's right. There are two separate incidents. The first one refers to the rumor that she talked about that there was a case of child kidnapping, and in fact, three men were attacked, one of whom has died. And these are the pictures that we're reflecting of that incident. Now, the other pictures we actually have are so gory that we're not even showing them to you because it's just horrible. They're really shocking. And we're also telling you very clearly that there was another incident, and just believe this, because a man actually was sent by the government to raise awareness about rumors and not to take them seriously, and that man had an altercation with villagers and he was then attacked and killed. तो जो आदमी जागरूकता फैलाने गया था कि इन WhatsApp rumors पर विश्वास न कीजिए, उसे ही मार दिया गया है। आइए सुनिए पुलिस क्या कह रही है। पीटी खत्म करके आगे इधर बैठा था, उसी टाइम पे खबर आया कि दो आदमी को इधर गाड़ी के साथ ये जो अभी चल रहा है, जो अफवाह फैला रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है बोल के, तुरंत ये खबर सुनते में गया जाके देखा भी उन लोगों में, दो आदमी, एक ड्राइवर है और एक बाहर का, वो उसका यूपी का है, तो मैं साथ साथ उन लोगों को आइडेंटिटी चेक किया, उसके बाद इधर लेके आया। तो सिचुएशन भी बहुत नाजुक हो रहा था तब, मैं ये सिचुएशन का जायजा लेते हुए मैं, लेकिन इतना था गैदरिंग कि हम लोगों को संभाल देने का, फायरिंग भी किया, गैस गन भी, टीयर स्मोक भी ये किया,